103 साल पुराना वाहन जी 1907 विच बनवाई थी मेरे दादा जी ने। अच्छा, उस तो बाद मेरे पिता जी ने संभाल के रखे इनू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और किसान आंदोलन लगातार चरम सीमा पर जाता हुआ, और अब पानीपत टोल से हम आपको दिखाएंगे 103 साल पुराना वाहन। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि किसान लगातार तिरंगा झंडा लेकर के, और यहां पर जो है एक जो गाड़ी है जिसका इतिहास आपको बता दें कि 103 साल पुरानी बैलगाड़ी जो कि झांकी के रूप में वहाँ पर दिल्ली में दिखाई जाएगी और दिल्ली के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो पहले आपको जो है इसकी तस्वीरें दिखा दे, फिर उसके बाद हम बातचीत कराएंगे कि किस तरह की है गाड़ी है, कैसे कहां से लाए हैं और इसका वहां पर किस तरह का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, और हम तमाम चीज़ें पहले दिखाएंगे। नीचे देखिए, इसके अंदर काट की वो जो इसका व्हील है, पहिए बोलते हैं हम, वो भी इसके अंदर ही है। और इसकी जो है बैल भी है। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए जहां पर झांकियां निकाली जाएंगी, बैल भी साथ लेकर आए हैं। ये देखिए, पूरी तैयारी के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहा है। पिछली गाड़ी में बैल भी हैं और यहां पर आगे इसे ले जाया जाएगा। पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहां पर देखिए कि लगातार जो है किसान पूरी व्यापक तैयारी के साथ पहुंचा है, और कहां से आए उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए गाड़ी 107 साल से ज़्यादा जो है इसका इतिहास हो चुका है। हमारे साथ जो है बुजुर्ग हैं जो लेकर के आए हैं, उनसे जानेंगे कि कहां से आए हैं। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहां से आए आप? असें जी डिस्ट्रिक्ट मोहाली। अच्छा, पिंड पड़ौल। अच्छा, हाँ, तो ये गाड़ी है कितनी पुरानी है और इसका वहाँ पर किस तरह से प्रयोग जो है परेड में किया जाएगा, क्या कुछ साथ में बैल भी लेके आए हैं? हाँ जी, बैल भी लेके आए जी। अच्छा, हाँ, कितने साल पुरानी गाड़ी है ये? जी 1907 विच बनवाई थी मेरे दादा जी ने। अच्छा, उस तो बाद मेरे पिता जी ने संभाल के रखे इनू। पिता जी तो बाद फिर असी संभाल करी भी इहदी। अच्छा, आगे इस तरह से ही संभालते रहेंगे ताकि ये पूर्वजों की निशानी ऐसे बरकरार रहे। हाँ जी। लेकिन आज दिल्ली लेकर के जा रहे हैं आप, यहाँ पर वहाँ कुछ ही तरह की झांकी निकाली जाएगी इसकी भी? हाँ जी बिल्कुल, बैल जोड़ के जी इन्हू तैयार करके पूरा रेडी करके इन्हू परेड दे विच शामिल करूंगे जी। अच्छा, हाँ जी। कब चले थे आप? असे कल जी। अच्छा, हाँ जी, पहला रास्ते विच बैल थोड़ा खराब करन लग गए, फिर असी गड्डियां मंगाइया जी। अच्छा, एक विच इन्हू खोल के लोड करिया, रास्ते विच बैल डरन लग गए जी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, ट्रैक्टर ये करके फिर सानू रोकने पे, रोका फिर गड्डिया मंगा के फिर अज लोड करके तां फिर चले जी हम लोग। तो इसके अलावा और भी ऐसी अनोखी झांकियां जो है वहां से सिंगू बॉर्डर के लिए ले जाई जा रही है ताकि दिल्ली में परेड किसान दिखा सके? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी। और क्या क्या अनोखी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कुछ करेंगे? दर्शक देख रहे हैं जी जेडे नवीं चीजा, जेड़ा ट्राला एक बड़ा बना के एक जीप दे मगर ट्राले पाए जी। अच्छा, ते बाकी होर नवे ट्रैक्टर हैं जेडे ट्रैक्टरां दे अगे जेडे जुगाड़ लाए, जेडे इन्हां ने बैरी गेट बनाए थे, उन्हां नू चक्कण वास्ते भी सिस्टम बनाया ट्रैक्टरां दे अगे। अच्छा, एक ट्रैक्टर इदां दा बनाया जेडा 40 लीटर एक घंटे दी उहदे विच डीजल दी खपत है, एक घंटे में 40 लीटर खा जांदा लीटर। अच्छा, 140 हॉर्स पावर दा उहदा इंजन बनाया, ट्रक दा इंजन लगाया गी। हाँ जी, ते वो तीन टिप्परां नू इकट्ठियां नू धक्क के साइड ते करूगा। अच्छा, हाँ जी, इस तरह के सिस्टम बनाते मोदी की नींद हराम होगी, मोदी की धरना जी टिकाणा आ गई हूँ। अच्छा, पता लग गया भी किसान क्या चीज है, किसान नो क्या तकलीफ है। वो तो कह रहे थे कि किसान नहीं है, ये तो विपक्ष की चाल है। नहीं, किसान नहीं है तो और कौन है? वो तो बोल रहा था पंजाब से अत्तवादी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, अब राजस्थान से भी आ गए, गुजरात से कौन है वो भी अत्तवादी है, यूपी से भी आ गए, उत्तराखंड से आ गए, झारखंड से आ गए, कहाँ कहाँ से आ गए। तो अब जो है आगामी तैयारी पूरी कर दी गई है, फुल तैयारी है, तीनों काले कानून वापस करा कर जाएंगे, चाहे एक साल लग जाए चाहे दो साल लग जाए, सारा सामान राशन पानी गाड़ियों में लेकर आए अपना। अच्छा, ये ट्रैक्टरों के आगे रहेगी बैलों की या हाँ, या फिर ट्रैक्टर के आगे रहेगी जो, तो थोड़ी स्पीड में चलेंगे। अच्छा, झांकी ताकि आगे ट्रैक्टर भी ना निकले और देखते जाए इसको लोग, आकर्षण का केंद्र रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है सरदार जी थे जो मोहाली से आए थे, और इन्होंने कहा कि इनके पूर्वजों की यह एक धरोहर है और इसका यहाँ पर झांकी के तौर पर सिंगू बॉर्डर पर। और देखिए हौसला देखिए छोटे छोटे किसानों का कि यहाँ पर
ये देखिए जी, क्या नाम है छोटू? अनमोल। अनमोल, कहाँ आए आप? किसानों के साथ समर्थन करने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, मोदी के पास चले गए? देखिए काफी हौसला है, और उसके साथ साथ हम आपको फिर से यहाँ पर बता दे कि बैलगाड़ी जो है, जो किसान पहले जब आधुनिक यंत्र नहीं होते थे, इनका प्रयोग किया जाता था, इन्हीं रोडों पर इस तरह की जो गाड़ियाँ चलती थी, और इसके साथ साथ मोहाली से ये पहुँचे हैं, और किस तरह से अभी भी सुरक्षित 103 साल हो चुके हैं, और पूरी सुरक्षित तौर पर यहाँ पर देखिए पूरा तेल वेल मालिश करके इसको ऐसे ही रखा गया है। और फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर व्हील जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और पीछे हमने बैल दिखाए। ऐसी अनोखी और अद्भुत चीज़ें इस किसान आंदोलन में लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, और यहाँ पर लोग लगातार सेल्फियाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये एक आकर्षण का केंद्र है। 103 साल पुरानी धरोहर ऐसे देखी जाए, अंतर नहीं होते थे, इनका प्रयोग किया जाता था, इन्हीं रोडों पर इस तरह की जो गाड़ियाँ चलती थी, और इसके साथ साथ मोहाली से ये पहुँचे हैं, और किस तरह से अभी भी सुरक्षित 103 साल हो चुके हैं, और पूरी सुरक्षित तौर पर यहाँ पर देखिए पूरा तेल वेल मालिश करके इसको ऐसे ही रखा गया है। और फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर व्हील जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और पीछे हमने बैल दिखाए। ऐसी अनोखी और अद्भुत चीज़ें इस किसान आंदोलन में लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, और यहाँ पर लोग लगातार सेल्फियाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये एक आकर्षण का केंद्र है। 103 साल पुरानी धरोहर ऐसे देखी जाए तो उसका हर कोई देखना चाहेगा। लगातार बने रहें सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ, जितेंद्र अहलावत, सीडी तहलका, पानीपत।